Hello students, I am Brijesh Tripathi from Chandra Children Public School, Alamnagar, Maharajganj. Students, जैसा कि पहले आप पेज नंबर 9 तक स्टडी कर चुके हैं, अब हम आज पेज नंबर 10 का स्टडी करेंगे. पेज नंबर 10 आपका है यूनिट 1 में पेज नंबर 10, यंग वंस ऑफ मैमल्स. यंग वंस ऑफ मैमल, आप ध्यान दीजिए कि जानवरों के जो बच्चे होते हैं उससे संबंधित चीज़ें यहाँ पे क्वेश्चन जो है आएंगे आपके लिए. तो इसमें देखिए, आपको फिल इन दी ब्लैंक्स है, लिखा है फिल इन दी ब्लैंक्स यूजिंग वर्ड फ्रॉम द हेल्प बॉक्स. देखिए, इसका कहने का मतलब ये है कि जो हेल्प बॉक्स में जो शब्द दिए हुए हैं उनका प्रयोग करके आप जो फिल करना है उसको फिल कीजिए. तो फर्स्ट आपका लिखा हुआ स्टूडेंट्स, द यंग वन ऑफ ए ग्रास हॉपर इज कॉल्ड ए. मतलब ग्रास हॉपर मतलब टिड्डा होता है, मतलब एक ग्रास हॉपर के बच्चे को कहा जाता है. तो इसका आंसर स्टूडेंट्स आपका होगा NYMPH, निम. देखिए हेल्प बॉक्स में NYMPH लिखा हुआ सबसे लास्ट में, उसको आप फिल कर लीजिए. सेकेंड है स्टूडेंट, द लार्वा ऑफ ए बटरफ्लाई इज कॉल्ड. एक बटरफ्लाई के लार्वा को, ठीक है, एक तितली के लार्वा को कहा जाता है. तो इसका स्टूडेंट्स आंसर है कैटरपिलर. ओके, इसका आंसर है कैटरपिलर. तो आप कैटरपिलर देखिए हेल्प बॉक्स में आपका सेकंड नंबर पे दिया हुआ है, आप उसको फिलअप कर सकते हैं. थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट, द यंग वन ऑफ ए फॉल इज कॉल्ड ए. मतलब फॉल मीन्स होता है जो फॉल, कह कर कि जो एक फॉल का जो बच्चा है उसको क्या कहा जाता है, मुर्गी के बच्चे को क्या कहा जाता है. तो इसका आंसर स्टूडेंट्स है चिक. देखिए आपका हेल्प बॉक्स में चिक दिया हुआ है, आप तीसरे में चिक फिलअप करेंगे. फोर्थ है स्टूडेंट्स आपका, द यंग वन ऑफ ए कंगारू इज कॉल्ड ए. इसका मतलब है स्टूडेंट्स की कंगारू के बच्चे को कहा जाता है. तो इसका आंसर आपका है स्टूडेंट्स जोए. फोर्थ का आप JOEY जोए लिखेंगे आप. फिफ्थ है स्टूडेंट्स, द यंग वन ऑफ ए हॉर्स इज कॉल्ड ए. मतलब एक हॉर्स के बच्चे को आप क्या कहेंगे या कहा जाता है. एक हॉर्स के बच्चे को फोल कहा जाता है, FOAL. देखिए FOAL हेल्प बॉक्स में है, FOAL. सिक्स क्वेश्चन है आपका, द यंग वन ऑफ ए स्टैग इज कॉल्ड ए. मतलब कि जो स्टैग, एक स्टैग के बच्चे को क्या कहा जाता है, एक हिरण के बच्चे को क्या कहा जाता है. तो आपका आंसर है स्टूडेंट फॉन, FAWN फॉन लिखा हुआ है स्टूडेंट. तो आप देखिए ये आपका 1 to 6 कंप्लीट हो चुका है. अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो दी हुई हैं उसको आप देख सकते हैं. देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें जो दिखाई गई हैं, लिखा है कुड यू बिलीव दैट इन द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स ऑल पेरेंट्स डू नॉट केयर फॉर देयर यंग वंस. तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है क्या आप विश्वास करेंगे कि जानवरों की दुनिया में सभी माता पिता अपने बच्चों की परवाह नहीं करते हैं. ठीक है, तो देखिए लिखा है, आह हाउ आई लव माई लिटिल वंस, वेयर आर यू बेबीज माई स्नेक. मतलब ये जो हिरण है वो पूछ रहा है, वो मैं अपने छोटों से कैसे प्यार करता हूँ, आपके बच्चे कहाँ हैं मिस्टर स्नेक. मतलब हिरण जो है इस मिस्टर स्नेक से पूछ रहा है. तो मिस्टर स्नेक क्या उसका आंसर दे रहे हैं, ओ माइन हु नोज आई डोंट केयर. इसका मतलब ओ मेरा कौन जाने, हु नोज कौन जाने, आई डोंट केयर, मुझे परवाह नहीं है. इसका मतलब कि यहाँ पे कह रहा है ना कि कुछ आप विश्वास नहीं करेंगे, आप विश्वास करेंगे कि जानवरों की दुनिया में सभी माता पिता अपने बच्चों की परवाह नहीं करते हैं. मतलब कुछ ऐसे भी जानवर होते हैं जो अपने बच्चों का टेक केयर नहीं करते हैं. तो फिर उसके बाद नीचे दिया हुआ है, हाउ इंटरेस्टिंग, बहुत दिलचस्प बात है, द तिलापिया फिश टेक्स बेबीज इनटू माउथ ऑफ इफ देयर इज एनी डेंजर. इसका मतलब ये है कि तिलापिया एक प्रकार की मछली है, ये मछली अपने बच्चों को मुंह में रखती है.
ये मछली अपने बच्चों को मुंह में रखती है और मुंह में ले लेती है या मुंह में रखती है और इससे उनको कोई भी खतरा नहीं होता है। ठीक है, कोई भी खतरा नहीं होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब ये आपका पेज नंबर 10 भी कंप्लीट हो चुका, इसको आप फिल कर लीजिए। ओके।